तो फिर अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड कर करके परेशान हो चुके हो, जबकि अभी तक आपका एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है और आप वीडियो ऐसे 50, 100, 150, 200, 300 बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया है लेकिन अभी तक एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है, जबकि आप एक अच्छा थंबनेल लगाते हो, एक अच्छे से टाइटल लिखते हो, अच्छा टैग लगाते हो, अच्छा डिस्क्रिप्शन लगाते हो, सभी चीज को आप करते हो लेकिन आपका वीडियो ऐसे वायरल अभी तक नहीं हुआ है। क्यों क्यों नहीं वायरल हो रहा है? क्योंकि आज की एक रियलिटी है कि आप ऐसे अच्छा थंबनेल भी लगा लोगे, अच्छा डिस्क्रिप्शन भी लगा दो, सब चीज अच्छा कर लोगे, लेकिन सबसे पहले आपको जज किया जाएगा। क्योंकि लोगों के पास जब इंप्रेशन YouTube भेजता है, किसी के मोबाइल के ऊपर ऐसे दिखता है, तो उसके सबसे पहले आपको ऐसे थंबनेल देखेगा। थंबनेल देखने के बाद सबसे पहले आपको उस पर व्यूज देखेगा कि कितना व्यूज आया हुआ है। अगर कम व्यूज होगा तो उस पर क्लिक ही नहीं करेगा, चाहे आप अच्छा थंबनेल क्यों नहीं बनाए हो, अच्छा उसमें वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से बनाए हो, लेकिन वो बंदा आपका वीडियो को नहीं देखेगा क्योंकि आपका व्यूज कम है। आज का ये जो है सच्चाई है कि आपको ऐसे व्यूज पहले देखा जाता है तभी वीडियो को ऐसे वॉच किया जाता है। अगर व्यूज कम तो आप ऐसे स्किप किया जाओगे और वैसे में आपका ऐसे वीडियो वायरल होगा ही नहीं होगा। लेकिन अब जो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा वो गलत तरीके से आप अपने वीडियो को वायरल करवा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, आपको वायरल नहीं हो रहा है, तो आप एक तो गलत तरीके यूज करो, आपका ऐसे लाखों लाखों में ऐसे व्यूज आएगा, लाखों में सब्सक्राइब आएगा, लाखों में कॉमेंट भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, बहुत सारे ये लोग ऐसे कर रहे हैं और रात रात भर में उनका ऐसे वीडियो वायरल हो जा रहा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसे कौन सा ट्रिक आपको ऐसे लगाना है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं फ्रेंड कि इस वीडियो को आप ऐसे लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लाइक सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता है, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी यूट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम है आप हमें कॉमेंट कर रहे हो, उसको हमें 100% सोल्यूशन दूंगा। आप जाके मेरे ऐसे कॉमेंट में चेक कर सकते हो, सभी लोगों को मैं ऐसे रिप्लाई दिया हूं, उनका ऐसे जो भी प्रॉब्लम है सभी को सोल्व मैं ऐसे किया हूं, तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हो फ्रेंड। तो चलिए हमको कौन सा करना है, क्या करना है, मैं अभी आपको ऐसे बताता हूं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो को ऐसे दिखाता हूं, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो माय फर्स्ट ब्लॉग लिख के एक सर्च कर लिया हूं। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं ऊपर में आपको एक भाई का ऐसे वीडियो को ऐसे दिखाता हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे एक भाई ने माय फर्स्ट ब्लॉग लिखकर एक वीडियो को ऐसे बनाया है, ठीक है, माय फर्स्ट ब्लॉग लिखकर। और आप लोग ऐसे देख सकते हो इसका वीडियो ऐसे 2 घंटे में, सिर्फ आप लोगों से 2 घंटे में 183,000 यहां पे व्यूज गया, सिर्फ 2 घंटे में 183,000। लेकिन ये सच्चाई नहीं है फ्रेंड। अब क्यों? क्योंकि ये आपको नए YouTube चैनल पे 1 से 2 घंटे में इतना सारे व्यू जा ही नहीं सकता है, ठीक है, जा ही नहीं सकता है। और यहां पे 2 घंटे में 183,000 व्यू। अब इसके अंदर मैं आपको जाता हूं, ठीक है, तो यहां पे ऐसे 8 लाख व्यूज हो जाता है, ठीक है, 8 लाख इसमें ऐसे व्यूज हो जाता है। आप लोगों से देख सकते हो इसमें 8 लाख व्यूज आ चुका है और ऐसे ही करके YouTube को ऐसे वीडियो को वायरल करवाया है, ठीक है। अब कैसे देखो, सबसे पहले यहां पर 183,000 व्यूज जा रहा है, जबकि आपकी YouTube वीडियो पर 5 ही व्यूज हो क्यों ना हो, 10 ही व्यूज हो क्यों ना हो, लेकिन 10-15 व्यूज हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसके पास ये जा रहा है, यानी कि इसके पास कुछ इस तरह से आपको वीडियो जब आ रहा है तो 183,000 व्यू दिख रहा है, तो आप कहोगे अरे भाई ये 2 घंटे में तो भाई 183,000 व्यू गया, क्या ऐसे वीडियो बनाया है भाई। फिर उसके बाद वो क्लिक करेगा, जैसे क्लिक करेगा तो एक क्लिक हो जाएगा, कहेगा अरे इसमें तो है 5-6 व्यूज आया है, लेकिन वो वीडियो फुल देख लेता है, ऐसा नहीं है 2 मिनट या 3 मिनट या देखेगा, लेकिन देख ही लेगा वो वीडियो। और देखने से वो क्या होता है, आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है। जब आपका YouTube पे क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा तो आपको ऐसे इंप्रेशन भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि इंप्रेशन नहीं बढ़ेगा। फ्रेंड ये भाई ने क्या दिमाग लगाया है कि ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट बनाया है। जी हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो को वायरल करवाना है शुरुआत में तो आप ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाओ और कुछ इस तरह से आपको ऐसे दिमाग लगाना है। यानी कि ये दिमाग कैसे लगाया है कि पहले तो अपने चैनल में 183,000 2 घंटे में व्यूज को ऐसे बनवा दिया है कुछ इस तरह से फेक बन दिखाकर, और लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट यानी कि CTR आपका हाई होगा, और आपका ऐसा हाई जब होने के बाद इंप्रेशन तेजी से भेजता है यूट्यूब। जब आपका इंप्रेशन और CTR दोनों हाई होता है तो वीडियो वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप लोग खुद देख सकते हो इसके वीडियो पे ऐसे 8 लाख ऐसे व्यूज आया, 8 लाख समझ लो, 8 लाख कितना व्यूज होता है 6 महीने में, और देख सो 15,000 सब्सक्राइबर भी है कंप्लीट ये लड़का कर चुका है। लेकिन अब हम उसको कैसे हमको ऐसे इस तरह से चैनल को ऐसे बनाना है आप लोग ऐसे नहीं पता होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो फिर सबसे पहले अब आपको करना क्या होगा कि आप सबसे पहले अपना ऐसे यूट्यूब को ऐसे ओपन करना है। जैसे आप अपने YouTube को ओपन कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपने ऊपर में देखो अपना ऐसे चैनल का लोगो दिखेगा, सिंपल से मैं इस पे ऐसे क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करोगे फ्रेंड, उसके बाद अब आप लोगों को देखना यहाँ पे आप लोगों को योर चैनल के एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको योर चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे में कॉर्नर में आपको एक पेंसिल का मिलेगा, सिंपल से उस पेंसिल को ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड उसके बाद अब आप लोग एक बड़ा पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा और जो भी आपका पुराना चैनल का नाम है उसको आप लोगों से पहले इरेज कर लेना है, ठीक है। इरेज आप यहां से कर लोगे, अभी सेव नहीं करना है, ठीक है। इरेज करके अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे बीच से हम लोग काट लेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे देखो यहाँ पे नोट पैड एक आपको ऐसे देगा, नोट पैड, ठीक है। यहाँ पे हर मोबाइल में एक नोट पैड होता है, तो उस नोट पैड को आपको ऐसे सिंपल से ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फ्रेंड उसके बाद अब आप लोगों को करना क्या होगा कि देखो यहाँ पे जो प्लस वाला दिख रहा होगा उस प्लस के ऊपर हम लोगों ऐसे क्लिक करेंगे। अब हम लोगों को चैनल नेम को ऐसे बनाना है, तो कैसे चैनल नेम बनाना है वो भी आपको ध्यान रखना है, वरना अगर चैनल नेम ऐसे उल्टा पुल्टा अगर हो गया तो आपको ऐसे दिखेगा ही उल्टा पुल्टा, क्योंकि ऊपर में टाइटल ऐसे गड़बड़ा जाएगा और आपका सही से दिखेगा नहीं, आपको मतलब पूरी तरह से ऐसे बकवास दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं, जो रियल वही दिखने लगेगा, तो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हम अपना YouTube चैनल का नाम ऐसे टट्टू रखते हैं, या किसी भी अपना चैनल का नाम जब रख रहे हो वो नाम को सबसे पहले रखना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे टट्टू मैं रख लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस आपको ऐसे देना है, जैसे आप एक स्पेस दोगे उसके बाद आपको ऐसा डॉट लगाना है, डॉट आपको ये वाला डॉट नहीं, देखो जो मैं आपके डॉट लगा रहा हूँ वो डॉट नहीं, सिंपल से आपको डॉट जब लगाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करोगे, एक इस पर क्लिक करोगे और एक मोटा वाला आपको ऊपर में ऐसा डॉट आपको ऐसे मिलेगा, सिंपल से उस मोटे वाला डॉट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक बार स्पेस देना है, स्पेस देकर अगर आप ऐसे 1 मिलियंस व्यूज बढ़ाना चाहते हो या 2 मिलियंस व्यूज बढ़ाना चाहते हो या 1 लाख या 2 लाख जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वो लिख जाते हो सकते हो, जो आपको ऐसे दिखाना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या स्पेस देने के बाद डॉट के बाद स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद अब आप लोग क्या करना है यहाँ पे जाते हैं और 1 लिखते हैं। 1 लिखने के बाद अब आपको ऐसे एम लिखना है, हमें अगर मिलियंस में बढ़ाना है तो चलिए मैं 1 मिलियंस ऐसे कर दिया हूँ। उसके बाद एक स्पेस और देना है, स्पेस आप दे दोगे उसके बाद अब ऐसे आप लोगों का व्यूज लिखना है कि आपका ऐसे कितना व्यूज है, कितना आवर्स में आया हुआ है वो आपको ऐसे लिखना है। सिंपल से आपको क्या करना है, जो भी आपको रहेगा वो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, हो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको जो भी रहेगा वो आपको स्मॉल लेटर वाला रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो भी रहेगा वो स्मॉल लेटर रखना, VIEWS व्यूज यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फिर से एक स्पेस देना है, स्पेस देके यहाँ पे आना है, फिर से मोटा वाला ऐसे डॉट लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से एक स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद मैं ऐसे 5 दिनों वीडियो को ऐसे यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं 5 दिन वीडियो को अपलोड किया था वो दिखाना शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखता हूँ, 5 लिखने के बाद यहाँ पे आपको स्पेस देना है, स्पेस लिख के आपको ऐसे डेज लगाना है, तो यहाँ DAYS डेज मैं ऐसे कर दिया हूँ, ठीक। अब आपको क्या करना है, अगो लिखना है, तो सिंपल से एक बार स्पेस देना है और AGO यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ऐसे करना है। जैसे आप करोगे फ्रेंड अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे में जो छोटा सा एरो दिख रहा है ना जो तिरछा करके कुछ इस तरह से, तो उसको हम लोग को क्या करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हमको क्लिक करना है, 4 टाइम्स आपको ऐसे क्लिक करना है, यानी 4 टाइम्स आपको क्लिक करना है। उसके बाद छोटा वाला जो डॉट होता है उसको 1 2 3 बार यहाँ आपको कुछ इस तरह से करना है। अब आपको क्या करना है, ये आपका चैनल बन के बिल्कुल ऐसे रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ इस तरह से आपको ऐसे आ जाना है। उसके बाद आप ऐसे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद जहाँ से आपने चैनल को यहाँ पे इरेज किया था वहाँ पे आपको आ जाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके आप ऐसे इसको ऐसे सेव आपको ऐसे कर लेना है। तो हमारा ऐसे बिल्कुल ऐसे सेव हो चुका है। अब जो भी वीडियो आप अपलोड करोगे तो सामने वाला को यही दिखेगा कि आपका ऐसे 5 दिन वीडियो को अपलोड किया हुआ है और आपका वीडियो पे ऐसे 1 मिलियन से ऐसे व्यूज आया हुआ है। तो आप इस तरह से अपने ऐसे किसी सामने वाला को ऐसे ये दिखा सकते हो, मैं 5 दिन वीडियो अपलोड किया था और मेरा ऐसे 1 मिलियन व्यूज आया, तो वो क्लिक करेगा ही करेगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप वीडियो अपलोड करोगे और आपका ऐसे 100% क्लिक होगा। और मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे लॉन्ग वीडियो मत अपलोड करना, आप ऐसे शॉर्ट वीडियो अपलोड करना, जैसे 1 मिनट या 1.5 मिनट के वीडियो अपलोड करना, ताकि लोग ऐसे देखें, आधा तो कम से कम देखें, 50% तो देखें। 50% देखने से आपको क्या होगा कि एवरेज भी सही रहेगा और आपका ऐसे क्लिक भी रहेगा सही रहेगा और इंप्रेशन भी सही रहेगा और अच्छा वीडियो बनाना, ताकि लाइफ टाइम वो चले सके। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करते हैं और प्यारा सा कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।